this shop. नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पहाड़ी ब्लॉगिंग गीता संजय ब्लॉग्स में। तो आज शुरुआत करते हैं एक नए दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ। हेलो दोस्तों, तो ये मैं सुबह नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ पहाड़ी व्यंजनों में से ही एक है ये भी, जिसको छोई रोटी भी कहते हैं और चावल की रोटी भी कहते हैं। मैं ये मीठी रोटी बना रही हूँ, बच्चों को पसंद है बहुत ज़्यादा। आज बच्चों की छुट्टी है तो चलिए बनाते हैं छोई रोटी। इसमें चावल का आटा और चीनी डाली है, पानी का घोल बना रखा पानी डाल के। चलिए आगे आपको दिखाती हूँ कैसे बनाया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं छोई रोटी। हल्का सा घी या तेल लगा के आप तवे को गरम होने दें। उसके बाद मैंने थोड़ा सा पतला बैटर बना रखा है, क्योंकि गाढ़ा बैटर होता है तो फिर थोड़ा सा मोटी बन जाती है। कुछ लोग वैसे ही कड़छी से करते हैं, मेरे से होता नहीं है, मेरे से होता है हाथ से। तो मैं इसको हाथ से ही ऐसे घुमा ले रही हूँ, इसको एक गोल शेप दे दिया। हल्का सा इसके किनारों में घी का यूज़ भी कर सकते हैं और रिफाइंड तेल जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए गाइस, एक या दो मिनट इसको पकने दें अच्छे से, ताकि ये कच्ची ना रह जाए। इसके बाद साइड से ऐसे हल्के से इसको खोल लो। ये देख लो इतनी अच्छी से खुल जा रही है। अगर ये पक जाएगी तो ये ऐसे खुल जाएगी। और इसको पलटा रही है, देखिए देखते हैं कितना प्यारा कलर आया है इसका। और इसमें हल्का सा ऊपर से देसी घी। हेलो दोस्तों, फिर एक नया व्लॉग लेके आ गई मैं आपके सामने। अभी बज रहे हैं शाम के 7, हम जा रहे हैं घूमने। हमने सोचा आज नदी के रास्ते चलते हैं घूमने और आपको दिखाते हैं बागेश्वर की गोमती सरयू नदी। ये देखिए गाइस, यहाँ पे मच्छी भी पकड़ रहे हैं कोई। ये देखिए यहाँ से इतना अच्छा व्यू है। लेकिन चलो चलो कहाँ से चले। देखिए यहाँ पे नदी है और ये देखिए इतनी तेज नदी आ रही है और यहाँ पर ये अंकल मच्छी पकड़ रहे हैं। Oh,
Let me up with a bright smile on now.